जब मार्केट का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, लेट्स से मार्केट 20 पॉइंट नीचे जा रहा है, 20 पॉइंट ऊपर आ रहा है, या उसका उल्टा हो रहा है, ऐसी हालत में क्या ट्रेड पॉसिबल है? ये ऐसी बात है कि आप कोई शॉपिंग मॉल में दुकान ओपन करके बैठे हो. आप किसी शॉपिंग मॉल में दुकान ओपन करके बैठे हो, पर आप सोचते हो कि कस्टमर नहीं आए तो भी कैसे धंधा हो सकता है अपने शॉपिंग मॉल में. हाउ डज इट फील? फिर आप बाहर घूम के दुकान से बाहर जाए कस्टमर को बेच के आएंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल? सो मार्केट जब मूव ही नहीं कर रहा है, जब वॉलेटिलिटी ही नहीं है, तो हाउ यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट? सो आई थिंक रोज कोई कमा नहीं सकता है, रोज कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी होती नहीं. और दूसरी चीज है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक आई वॉन्ट टू शेयर, कि मार्केट में 99% ट्रेडर या 95% ट्रेडर अपॉर्चुनिटी को ढूंढने जाते हैं, बट जो लोग ढूंढने जाते हैं ना, तो ढूंढने जाते हैं ना, तब हमें काफी सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और काफी सारी चीजों के लिए हम बायस भी हो जाते हैं. उस टाइम होता क्या है कि आप जो भी डिसीजंस लेते हैं, वो डिसीजंस काफी बार इतने बायस होते हैं कि आपने काफी सारी चीजें उसकी नेगेटिव होती है, या आप बाइंग का सोच रहे हैं बट काफी सारी ऐसी चीजें जो उसको नेगेटिव दिखा रही है, तो भी आप उसको समझते नहीं है, या ना ही उसको आप अपने कैलकुलेशन में उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, और काफी बार गलत ट्रेड कर लेते हैं. सो डोंट गो बिहाइंड द अपॉर्चुनिटी, वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी. ऑटोमेटिकली आपके टर्मिनल के सामने या आपकी स्ट्रेटेजी के सामने आपको स्ट्रेटेजी दिखेगी. इन शॉर्ट, आपको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली देखते रहना है, नहीं कि आपको आपके स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज करते जाना है, ऑप्टिमाइज करते जाना है और बाइंग क्रिएट करना है, क्योंकि आप बाइंग करना चाहते हो. इन शॉर्ट, आप अपनी साइकोलॉजी को एक सेटिस्फेक्शन देना चाहते हो कि हाँ, ये बाइंग दिखा रहा है. इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन ट्रैप. रेशनलाइजेशन ट्रैप का एक ही एग्जाम्पल देता हूँ, कि जब रतन टाटा जी ने अनाउंस किया कि हमें 1 लाख रुपए की कार बनानी है, तो पूरी कंपनी उसमें लग गई कि 1 लाख रुपए की कार बनानी है, बट दे हैव नॉट सीन कि भाई शेयर होल्डर पे इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्या फिजिबल प्रोजेक्ट है या नहीं है. सो दे हैड इग्नोर एवरीथिंग दैट इज नेगेटिव एंड दे हैड स्टार्टेड बिल्डिंग इट, और आज हम देख ही रहे कि कितना बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है वो. इन शॉर्ट, वो सक्सेसफुल नहीं है, काफी सारे हजारों करोड़ रुपए का लॉस हुआ है टाटा मोटर्स को. सो दैट इज द बिगेस्ट रैशनल ट्रिप, दैट्स व्हाट पीपल फेल और व्हाट पीपल इन शॉर्ट काफी सारे लोग अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं. इन शॉर्ट, हम एक गलत डिसीजन ले लिया है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम काफी सारी दूसरी गलत चीजें कर लेते हैं. इन शॉर्ट, हम उसमें अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं. उसका एक ही एग्जाम्पल दूंगा कि किसी बंदे ने 100 रुपीज पे कोई स्टॉक खरीदा है, अब वो 90 रुपीज आ गया है, तो वो 90 रुपीज में निकलने का नहीं सोचता है, बट वो अपने जो भी 100 रुपीज में डिसीजन लिया है उसको और कैसे मजबूत किया जाए, वैसे कारण ढूंढता है, और वो कारण को सपोर्ट करने के बाद फिर से 90 रुपीज में स्टॉक खरीदता है. एब्सोल्युटली रैशनल ट्रैप. सो मेरे अकॉर्डिंगली ये रैशनल ट्रैप, इन शॉर्ट जो मैंने पहले भी बोला था कि बिहेवियरल एनालिसिस समझना और एम्पथी, इन शॉर्ट दूसरे के इमोशंस को समझना और खुद को इमोशंस को समझना, बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए. फिर आप इन्वेस्टिंग करो, फिर ट्रेडिंग करो, या कुछ भी करो, इफ यू वॉन्ट टू मेक मनी इन अ स्टॉक मार्केट, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड अदर्स इमोशंस एंड टेक अ बेनिफिट ऑफ इट. दैट्स इट. ओह ओके, सो अल्टीमेटली द पॉइंट मिस्टर रोहित, कि हर वक्त पैसा कमाने की जुगाड़ ना लगाए मार्केट से। पूरे साल भर खुला है मार्केट, ये पार्लियामेंट सेशन की तरह महीने 2 महीने में बंद नहीं हो जाता। सो ओपन रहेगा पूरे साल भर, जब सही मौका है तभी पैसा बनाए। जब मार्केट फ्लैट है, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो क्यों पैसा बनाना चाहते हो उस वक्त भी? ओके okay?